नमस्कार, शेलीज कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चियों के लिए हेयर बेल्ट बुनेंगे। मेरी बेटी के कॉलेज का यूनिफॉर्म ब्राउन कलर का है, इसलिए मैंने ये ब्राउन कलर लिया है। तो सबसे पहले इसकी जो हेयर बेल्ट है उसकी हम ये डोरी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में चेन और सिंगल क्रोशिया बताया है, उसी को हम यहाँ पर किस तरह प्रयोग करेंगे वो इस वीडियो में अभी आप देखेंगे। यहाँ पर मैंने ये इतना बुना है, ये किस तरह से बुना है ये देखिए आप। ये तीन चेन है, तो यहाँ पर तीन चेन लेने के बाद इस चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चेन ली, फिर लपेटा। अब ये टोटल जो नीचे तीन चेन है ये हाफ डबल क्रोशिया की वीडियो पीछे दी हुई है। इस तरह से ये डोरी मैं तैयार कर रही हूँ। ये डोरी की लंबाई पूरी हो जाने पर जो पीछे बंध सके हम हमारा डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। हमारे सिर की जो ऊपर की लंबाई होती है, जिस बच्चे का भी आपको बनाना है उसका नाप ले लीजिए और उसके बाद उस नाप से आपको चेन बुननी है। मैं यहाँ पर लगभग 30 चेन के आसपास ले रही हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सिर के नाप के अनुसार चेन लेनी है। लगभग 6 चेन में 1 इंच हो जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर इस चेन को हम इस तरह से सामने ले लेंगे और इसमें हर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, ये चेन है, इसमें ये चेन का उल्टा साइड है और ये सीधा। तो जो चेन का सीधा साइड है वो अपनी तरफ लेके 1, 2, 3 स्किप करके चौथे जो जिसमें ऐसे लूप है उस चेन को भी छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4 हुआ इस तरह से। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद एक चेन, फिर एक चेन छोड़ के फिर अगले में इस तरह से पूरी लाइन को हम बुन लेंगे। ऊपर एक चेन बनाएंगे, नीचे भी एक चेन छोड़ देंगे और इस तरह से एक डिजाइन बनाते जाएंगे। ये छोड़ दिया, ये देखिए यहाँ लिया, अब ये यहाँ छोड़ दिया। अब अगले में ये इस तरह से ये फिर एक चेन, ये पैटर्न अगर आप सीखते हैं तो ये बहुत सी जगह काम आता है। जब बैग बनाए जाते हैं तो उसमें भी इसी पैटर्न से बैग की फाउंडेशन बनाई जाती है।
थोड़ा सा पहली फर्स्ट चेन होने से टाइट होता है। थोड़ा काउंटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि बिगनर हैं तो आप लाइट कलर में ही बनाइए। डोरी को इस तरह से पकड़ें कि वो बार बार घूमे नहीं। डोरी घूमती है तो बुनने में दिक्कत जाती है। ये चेन छुरी ये इस तरह से। ये चेन छुरी और इसमें इस तरह से। पूरी रो को इसी तरह हम बुन लेंगे। हमारी रो चलती रहेगी। इसके बाद हमारी रो फिर से पलट जाएगी। पलटने के बाद हम इसमें अगला डिजाइन इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हर उसमें ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, दो चेन, फिर अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, दूसरी चेन, फिर थोड़ा सफाई से नहीं बनाए, कभी कभी ऊन में रेशे बहुत होते हैं। ये एक चेन, ये दूसरी चेन। जितने भी यहाँ पर होल बने हैं सब में हमें ये एक डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया, इसको बंद किया और फिर एक चेन और बुन ली। यह क्रम हमारा हम दोहराते रहेंगे। जितने भी होल हैं हर होल में ये डिजाइन बनती जाएगी। हमको डायरेक्ट होल से ही लेना है, हमें चेन के बीच में से नहीं लेना है। ये तीनों उतार दिए। फूल का जो तनाव है वो इक्वल रखना चाहिए, नहीं तो डिजाइन बड़ा छोटा आएगा। इस तरह से हमारी रो पूरी हमको करना है। कितनी चेन लेनी है वो जो बच्चा है उसके सिर के माप के अनुसार रहेगी। एक कान से दूसरे कान तक आप जो है माप ले लीजिए और पीछे डोरी बंध जाएगी।
यहाँ तक हम ले आए। अब जिस तरह से उस तरफ डोरी है, एक डोरी इधर भी बनेगी। इसको मैं यहाँ से इस वाले से लेकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से बुन रही हूँ। 1, 2, 3 फर्स्ट वाले में से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह 1, 2, 3 फर्स्ट से डबल क्रोशिया बनाना है। वन टू थ्री जितनी भी लंबाई की आवश्यकता हो उतनी लंबी हम डोरी बना सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो ये डिजाइन के बाद ये डोरी जो है सिंपल चेन स्टिच से बना सकते हैं, बट आपकी ऊन मजबूत हो नहीं तो फिर डोरी टूट जाती है। सिंगल चेन स्टिच से बनी डोरी वॉश करने से कई बार बहुत ही बारीक हो जाती है, इसलिए बेटर देन हम एक छोटा सा डिजाइन बुन के डोरी को भी मजबूत कर लें इस तरीके से। थोड़े ही समय में ये तैयार हो जाती है और मजबूती भी अच्छी हो जाती है। इस तरह से हम इसको बुनेंगे। यहाँ पर मैं इसको बंद कर रही हूँ और उस तरफ ऊन जोड़ के अभी मैं इसको नहीं पूरा हटाऊंगी। अगर नाप में कुछ कमी रही तो इसको थोड़ी सी चेन बना के बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ऊन जोड़कर ये जो है ठीक इसी पैटर्न से इधर भी इसको हम बनाएंगे। एक लूप को क्रोशिए में लिया और यहाँ पर अटैच किया ये, और फिर इसको इस तरह से ये यहाँ पर एक हमने डबल क्रोशिया बुना और फिर इसके साथ हम इसको एक को डबल क्रोशिया बुना। इसके बाद इस डोरी से मिलाकर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बुना, एक चेन ली और फिर यहां से इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया।
मजबूती के लिए इसको मैं और बांध लूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा हेयर बेल्ट तैयार हो गया जो बच्चियां यूनिफॉर्म के साथ पहन सकती है। तो ये देखिए, ये